إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين। मोहतरम सामईन और मुआज़्ज़ नाज़रीन, आज इस दौर में ऐसे लोग अपने आप को उम्मत की ड्राइविंग सीट पर समझ रहे हैं जिन लोगों को यालमून और तालमून का फ़र्क ही मालूम नहीं। वो लोग समझते हैं कि शायद सलफ़ सालिहीन, सहाबा ताबईन और आइम्मा दीन ने उम्मत को कुछ नहीं समझाया। कुरान और सुन्नत को समझाने का असल फरीज़ा तो उन्हें सौंपा गया है। वो कुरान करीम की आयात की ऐसी ऐसी तफसीर करते हैं कि सहाबा ताबईन, तबा ताबईन और आइम्मा दीन ने कभी ऐसी कोई तफसीर नहीं की है। यानी वो अपने आप को सहाबा से बढ़कर कुरान को समझने वाला बताते हैं। वो अपने आप को ताबईन, तबा ताबईन और आइम्मा दीन से बढ़कर सुन्नत को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला समझते हैं। हालांकि मैंने जो अर्ज़ किया, उन्हें यालमून और तालमून का फ़र्क भी मालूम नहीं। और ये हमारा एक मुहावरा है, उर्दू में उमूमन इस्तेमाल होता है कि जिसको बिल्कुल किसी इलम की अबजद से भी वाकफियत ना हो, उसे कहते हैं कि इसे यालमून तालमून का ही पता नहीं। और बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान के कवायद के हवाले से जो शख्स जाहिल हो, जिस शख्स को बिल्कुल ही पता ना हो कि अरबी ज़ुबान उसके कवायद क्या हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि इसे यालमून तालमून का भी पता नहीं। और ये यालमून और तालमून दो सीगे हैं। यालमून जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और तालमून जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तो इन दोनों सीगों की भी अगर किसी वाकफियत ना हो, किसी को इन दोनों में फ़र्क भी ना करना जानता हो, तो वो चिट्टा अनपढ़ है अरबी ज़ुबान से भी, कुरान और सुन्नत से भी। यालमून का माना वो जानते हैं या वो जानेंगे, तालमून तुम जानते हो या तुम जानेंगे। हमारे मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का भी बिल्कुल यही हाल है कि वो यालमून तालमून का भी फ़र्क नहीं जानते। और मैं एक मिसाल पेश करता हूँ यहाँ पर कि वो अपने लेक्चर में बज़ाम ख़ुद कुरान की तफसीर पढ़ा रहे हैं और लोग भी बेचारे जिनको पता ही नहीं कि अरबी ज़ुबान क्या होती है और मिर्ज़ा साहब की इल्मी हालत क्या है, वो भी अपने तई कुरान की तफसीर उनसे पढ़ रहे होते हैं। अब मिर्ज़ा साहब तर्जमा करते, कली लम्मा तुमिनून, तुमिनून ये जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर का, बहुत कम हो जो तुम ईमान लाते हो। तो मिर्ज़ा साहब इसका तर्जमा करते हैं, बहुत कम है जो वो ईमान लाते हैं। इसी तरह तज़क्करून भी, असल में तज़क्करून ये जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, बहुत कम हो जो तुम नसीहत हासिल करते हो। मिर्ज़ा साहब ने इसका तर्जमा भी किया है, बहुत कम हैं जो वो नसीहत हासिल करते हैं। क़लीलम मा तुमिनून, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो इस बात पे ईमान लाते हैं। वला बिकौली काहिन, ये किसी काहिन जादूगर का भी कलाम नहीं है। क़लीलम मा तज़क्करून, लेकिन बहुत ही कम लोग नसीहत हासिल करते हैं। तो बहुत कम हैं जो ईमान लाते हैं, बहुत कम हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। वो मिर्ज़ा साहब ने गायब का तर्जमा किया है जबकि ये हाजिर के सीगे हैं। जिस शख्स को इतना ही पता नहीं है, वो चला है उम्मत को आयत मुबाहला की तफसीर पढ़ाने। बस क्या दलील है मिर्ज़ा साहब के कुरान के इस हुक्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं किया, बताएं ना आप। आपके पास क्या दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, बेटी को लेकर गए, बीवियों को लेकर नहीं गए? ये तो पूरा झूठ है आपका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहले के लिए गए थे, बीवियों को लेकर नहीं गए थे, बेटी को लेकर गए थे। एक बात। दूसरी बात, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए भी थे, तब भी बीवियों को लेकर ना जाने का जिक्र, अदमे जिक्र, ये इस बार की दलील नहीं बन सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को लेकर नहीं गए, क्योंकि
आपने कहा कि हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को, अपने दोनों नवासों को और अपने दामाद अली रजी अल्लाह अनु को बुलाया। हदीस में तो इतना ही है, इस पर आगे तफसीली बात होगी कि आपने बुलाया, मुबाले के लिए नहीं लेकर गए, बुलाया। अगर इससे मुराद मुबाले के लिए लेके जाना आप साबित कर लें, हम मान जाएं थोड़ी देर के लिए कि आप लेकर गए थे, फिर भी बीवियों का जिक्र ना होना इस बार की दलील नहीं है कि बीवियों को लेकर नहीं गए थे, क्योंकि खुद आप बार बार बता चुके हैं लोगों को कि अदमे जिक्र तो कुरान में भी होता है, हदीसों में आ जाए तो कोई मसला नहीं। तो इस तरह का अदमे जिक्र तो कुरान में भी होता है, तो हदीसों में आ जाए तो कोई मसला नहीं, ठीक हो? कहते हैं अदमे जिक्र तो कुरान में भी है, हदीसों में आ जाए तो फिर क्या मसला है? तो हदीस में अगर आ गया बिल फर्ज, उससे मुराद ये थे लेकर जाना था, निकलना था, मुबाले में लेकर जाना था, फिर भी बीवियों का अदमे जिक्र अदमे वजूद की दलील नहीं बनता। मिर्जा साहब, इस बात की क्या दलील है कि बीवियों को लेकर नहीं गए? उससे आगे आपने कहा कि अदमे जिक्र अहादीस में तो आता ही है, लेकिन कुरान मजीद भी भरा पड़ा है। अदमे जिक्र से अहादीस भरी पड़ी है, अदमे जिक्र से कुरान भी भरा हुआ है। अदमे जिक्र से कुरान करीम भी भरा पड़ा है, हदीस में भी आता है, लिहाजा अदमे जिक्र अदमे वजूद की दलील नहीं। ये उसूल आप बार बार बयान करते हैं, यहाँ कैसे हो सकता है? अगर मान लिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाले के लिए गए थे और अपनी बेटी को और अपने नवासों को और अपने दामाद को लेकर गए थे, अगर ये मान लिया जाए तो यहाँ से ये कैसे साबित होगा कि बीवियों को नहीं लेकर गए? खुद मिर्जा साहब, आपके उसूल के मुताबिक भी ये बात साबित नहीं होती, और ये जहालत है और ये कुरान और हदीस की नुसूस का इनकार है, क्योंकि कितनी नुसूस हैं जहाँ अदमे जिक्र है, फिर वहाँ भी आप कहेंगे कि ये चीज़ मौजूद ही नहीं। तीसरी बात यह है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल फर्ज मुबाहले के लिए निकले होते, अपने बेटों को यानी नवासों को, अपनी बेटी को और अपने दामाद को लेकर गए होते, और ये लिखा होता, कुरान में भी लिखा होता या हदीस में भी लिखा होता कि बीवियों को लेकर नहीं गए, तब भी इसमें यह एहतमाल था कि चूंकि वो अगले जो बिलमुकाबिल हैं वो बीवियों को लेकर नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीवियों को लेकर नहीं गए, वो बीवियों को लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीवियों को लेकर जाते। लिहाजा यहाँ भी अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि आप गए थे, और ये भी मान लिया जाए कि आप बीवियों को नहीं लेकर गए थे, हालांकि ऐसा कुछ साबित नहीं, अगर बिलफर्ज ये मान लिया जाए तब भी ये साबित नहीं होता कि आपने बीवियों को छोड़ा था जानबूझ के किसी और वजह से। ये भी एहतमाल था कि वो बीवियां नहीं लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीवियां नहीं लेकर गए, वो बेटियों को लेकर आए, आप भी बेटी को लेकर चले गए, बस इतना। अब हालांकि ये तो साबित ही नहीं सिरे से कि आप गए हों, मुबाहले के लिए तो आप गए ही नहीं सिरे से, जैसा कि आगे हम दलायल से साबित करने वाले हैं। अब मिर्जा साहब, क्या आपको इस हवाले से कोई शर्म आएगी? लोगों को आप शर्म दिलाते हैं कि इनको शर्मो हया ही नहीं, क्या आपको शर्मो हया आएगी? और आप इस बात को सोचेंगे और गौर करेंगे कि मुबाला हुआ ही नहीं, तो मैं ये सारा ये जो पूरा प्रोपेगंडा कर रहा हूँ अजवाज मुतहरात के खिलाफ भी और आले उमैया के खिलाफ भी, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और दीगर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारियाँ हैं आले उमैया में, ससुराली रिश्तेदारियाँ, उन पर आप तान कर रहे हैं, तो किस बिना पर कर रहे हैं? हालांकि वो साबित ही नहीं। अब दलील भी एक सुन लें, आगे तफसील फिर आएगी। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, मिर्जा साहब सहाबी रसूल हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, उनसे ये सही सनद से बात साबित है तफसीर अब्दुल रज़ाक में, इमाम अब्दुल रज़ाक रहिमहुल्लाह की तफसीर है, उसमें सही सनद के साथ हद्दसना मामर قال اخبرني عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لا رجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुबाला करता, अगर किसी ने ये सोचा भी था कि मैं मुबाला करूं, और अगर वो मुबाला कर लेता, कोई भी लोग मुबाला करते, तो वो इस तरह अपने घरों को लौटते कि ना उनके पास अपने अहलो अयाल में से कोई बचता और ना कोई माल बचता। घर पहुंचने से पहले पहले ही उनके अहलो अयाल भी तबाह बर्बाद हो जाते और उनका माल भी तबाह बर्बाद हो जाता। अल्फाज पर गौर करें कि अगर कोई मुबाला करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब ये होता, मुबाला किया ही नहीं तो ये हुआ ही नहीं। मिर्जा साहब, बात आपको समझ आई है? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह नुमा फरमाते हैं कि मुबाला नहीं हुआ,
अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुबाला करता तो यकीनन जिन चीज़ों को उन्होंने लेकर आना था अहलो याल को, वो भी उधर ही तबाह बर्बाद हो जाते सारी दुनिया के सामने, उनका माल जायदाद सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता। ये इबरत बन जाते कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाला किया और ये झूठे हैं, वाकई इन पर लानत बरस गई। अब आप मिर्ज़ा साहब बताएं, जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मुबाला हुआ ही नहीं और दलील सही सनद के साथ हमने आपके सामने पेश कर दी है, आप बताएं कि कौन क्लियर नहीं है आयत मुबाला के बारे में? आप कहते हैं ना कि ये खुद ही क्लियर नहीं है आयत मुबाला के बारे में, आप अब बताएं कि क्या आप क्लियर हैं आयत मुबाला के बारे में? आयत मुबाला से ये कतान साबित नहीं हुआ कि आपने मुबाला किया, और सही मुस्लिम की हदीस से भी जैसा कि हम अर्ज करने वाले हैं ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। अब आप जो कहते हैं ना कि आयत मुबाला की तशरीह नहीं आती, इन्हें तफसीर नहीं आती, हम आपको बताते हैं मिर्ज़ा साहब के आयत मुबाला की तफसीर क्या है और आयत मुबाला से और सही मुस्लिम की उस हदीस से क्या साबित होता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये आयत मुबाला कुरान से पढ़कर इसकी तशरीह सही मुस्लिम से बयान कर दें। सर इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये आयत मुबाला कुरान से पढ़ के इसकी तशरीह सही मुस्लिम से बयान कर सके। मिर्ज़ा साहब आज हमारा हौसला चेक करें ज़रा, बैठे हैं हमारे सामने, हम आपके सामने भी बयान कर सकते हैं और यहाँ भी बयान करने वाले हैं, आयत मुबाहला भी बयान करेंगे और वो हदीस भी जिसे आप पेश कर रहे हैं वो भी बयान करेंगे। आयत मुबाहला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 है, 61, और सही मुस्लिम की वो हदीस जो आप कह रहे हैं कि इसकी तशरीह में आई है वो 2404 नंबर 2404 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की। आप हमें बताएं कि कुरान करीम की इस आयत में या सही मुस्लिम की इस हदीस में इन दोनों नुसूस में कहीं कोई ऐसी बात है जिसका मतलब यह है कि मुबाला हुआ था, जिसका मतलब हो कि बीवियों को छोड़कर बेटी और दामाद को और नवासों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए? हाँ तो बुरहाना को मिनकुम तुम सादिकीन। मिर्ज़ा साहब अगर आप सच्चे हैं तो इस आयत से या इस हदीस से हमें दिखाएं। रह गई बात कि उस आयत में क्या है, वो आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आयत नंबर 60 जो उससे पिछली आयत है, अल्हक्कु मिन रब्बिका फला तकुम मिनल मुमतरीन। ऐ नबी, हक आपके रब की तरफ से है, आप इस हवाले से बिल्कुल भी शुबा ना करें। फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ। अगर आपसे कोई शख्स इस हवाले से झगड़ा करता है, फिर भी तकरार करता है, दलायल देखने के बाद भी हाट धर्मी पर उतर आता है, तो फमन हाज्जा कफीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, आपके पास जो वही आ गई इसके बाद भी आपसे कोई इस हवाले से झगड़ा करता है, तो फकुल आप उनसे कह दीजिए कि तआलौ, तुम आ जाओ, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम बुला लेते हैं अपने बेटों को भी तुम्हारे बेटों को भी, वनिसाअना व निसाअकुम, तुम्हारी औरतों को अपनी औरतों को भी बुलाते हैं तुम्हारी औरतों को भी बुलाते हैं, वानफुसना व अनफुसकुम, हम अपने आप को भी लेकर आते हैं मैदान में, तुम्हें भी बुलाते हैं कि तुम भी लेकर आओ अपने आप को, सुम नबतहिल, फिर हम मुबाला कर लेते हैं, फनजअल लानत अल्लाह अल काज़िबीन, हम झूठों पर अल्लाह की लानत कर लेंगे, सारे ही उस पर आमीन कहेंगे, सारे ही दुआ करेंगे कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो जाए, तो फिर अल्लाह फैसला फरमा देगा। ये आयत है। अब इस आयत में कहीं है कि मुबाले में आप गए थे या ऐसा हुआ था? अल्लाह तबारक व तआला ने एक तालीम दी है कि अगर ये ऐसा करें तो आप आगे से उन्हें ये दावत दें, आप उन्हें चैलेंज दें। कबूल तो उन्होंने करना ही नहीं था, कबूल नहीं किया उन्होंने, ये चैलेंज देना था ताकि उन्हें पता चले कि वो झूठे हैं और खिफत का सामना उन्हें करना पड़े, और ये चैलेंज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया उन्हें, उन्होंने कबूल नहीं किया, ये तो उनका मसला था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ये दिया था कि ए नबी आप चैलेंज दे दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज दे दिया। अब जहाँ तक उस हदीस का ताल्लुक है, ये सही मुस्लिम में जो 2404 नंबर हदीस है उसमें ये अल्फाज हैं जो मुबाहला के हवाले से, हम पहले वो पढ़ते हैं, बाकी तफसीलात हम इंशाल्लाह फ़ज़ाइल मुआविया वाले चैप्टर में लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। वलम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया,
सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हो बयान फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबाहला नाजिल हुई, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि आप उन्हें चैलेंज दे दें कि हम अपने बेटों को भी बुलाते हैं, तुम भी अपने बेटों को बुलाओ, यानी हम दावत देते हैं कि अपने बेटों को लेकर आओ, आगे हम मुबाला करें। इतने अल्फाज हैं कि अपने बेटों को भी हम लेकर आते मैदान में, तुम अपने बेटों को भी लेकर आओ। तो दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलियम व फातिमा व हसनन व हुसैन, जब ये आयत नाजिल हुई, जब मुबाहला हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी आप चैलेंज दे दीजिए, तो चैलेंज उन्हें देने से पहले आयत अभी नाजिल हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अभी आगे सहाबा तक जानी है, फिर आगे पहुंचनी है कुफार तक, यहूदियों तक, नसरानियों तक, जो भी दुश्मनान इस्लाम है उन तक पहुँचनी है। उससे पहले ही आयत नाजिल होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो को, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को और सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया। फ़काला फरमाया, दुआ की, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह हाउलाई अहली, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, हाउलाई अहली मेरे घर वाले तो यही हैं, इन्हें मेरा अहल बना दे। दरअसल नूह अलैहिस्सलाम की अगर वो जो स्टोरी है कुरान ने बयान की है कि जब उनका बेटा डूबने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम तड़प उठे, दुआ कर दी कि इन अबनी मिन अहली, मेरे अल्लाह मेरा बेटा तो मेरा अहल है, तो तूने वादा किया था तेरे अहल को बचाऊंगा, तो मेरा बेटा मेरा अहल है, मेरे अहल में से है, इसे बचा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसके अमल ठीक नहीं हैं, ये मुशरिक है और मुशरिक आपका अहल नहीं बन सकता। तो दरअसल बेटा असल में अहल होता है, और कुरान की आयत में भी ये था कि नदउ अबनाअना व अबनाकुम, अपने बेटों को बुलाते हैं हम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बेटा था नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज देना था कुफार को, दुश्मनान इस्लाम को, कि अपने बेटों को लेकर आओ, मैं भी अपने बेटों को लेकर आता हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा था नहीं, फौत हो गए सारे बचपन में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इनको मेरा बेटा बना दे, ये मेरे बेटे के मकाम पर आ जाएं, अगरचे हकीकी बेटे नहीं हैं, जैसे कुरान ने कहा है सूरह अहज़ाब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी आपकी कोई नरीना औलाद हुई नहीं, यानी वो जवान नहीं हुई, फौत हो गए बचपन में ही, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। उस वक़्त औलाद फौत हो चुकी थी, यानी जो नरीना औलाद थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो बेटे थे फौत हो चुके थे। जब बेटे थे नहीं, कुरान ने कहा कि आप कुफार को चैलेंज दें कि बेटों को लेकर आएँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हसन हुसैन को बुलाया, अगरचे बेटे नहीं हैं, ये नवासे हैं, और नबी जाहिर है कि जो नसब चलता है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह चलेगा कि बेटों के बेटे हों, बेटों के बेटे पोते, उनको बेटे कहा जाता है, तो बेटी के बेटे नवासे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ये मेरे अहल हैं, तो मेरे बेटों की जगह मेरे नवासों को कबूल फरमा ले, और मेरे इस चैलेंज में मेरे नवासे आ जाएं बेटों की जगह पर। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा हाउला याहली, ए अल्लाह इनको मेरा अहल बना दे, ऐसे होगा अल्लाहुम्मा जाल हाउला याहली, ए अल्लाह इजाल महजूफ होगा, क्योंकि दुआ कर रहे हैं, जाहिर है दुआया कलिमा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह तू इन्हें मेरा अहल बना दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल कर ली। क्योंकि सूरह अहज़ाब की रोशनी में अगर आप पढ़ें कुरान करीम में, तो वहाँ सियाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का जिक्र है और उन्हें अहले बैत कहा गया है कुरान करीम में, सूरह अहज़ाब में जहाँ अहले बैत का तज़किरा है और उनकी तत्हीर का तज़किरा है, जिसे रवाफिज़ उछालते हैं, वहाँ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का तज़किरा है। कुरान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत कहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन्हें भी मेरे अहल में शामिल फरमा दे, जब ये अहल में आ जाएंगे तो फिर ये नवासे जो हैं ये बेटों की जगह शुमार होंगे, तो फिर मैं जब चैलेंज करूँगा तो उसको पूरा भी कर सकूँगा कि तुम अपने बेटों को लेकर आओ,
अल्लाह ने इन्हें मेरे बेटे करार दिया, ये मेरे अहल बन गए हैं, लिहाजा मैं इन्हें लेकर आ जाऊंगा। ये असल थी मिर्ज़ा साहब आयत मुबाहला। सही मुस्लिम की हदीस में इसीलिए निसा का वो लफ्ज़ है ही नहीं यहाँ पर। सैयदना सार बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वो फरमाते हैं कि जब ये आयत का टुकड़ा नाजिल हुआ, फ़कुल तआलु नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इसकी तफसीर में वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को बुला लिया और अपनी बेटी को और अपने दामाद को बुला लिया। लेके जाने का तो मिर्ज़ा साहब कहीं जिक्र ही नहीं है ना कि आप मुबाले के लिए गए हों। पहली बात है किसी ने मुबाले का चैलेंज कबूल किया हो, किसी की हिम्मत और जुरत ही नहीं हुई।